हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित है। इस वीडियो में लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूँ। और यह जो वैकेंसी हैं, एक पद छोड़कर रिमेनिंग सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है या सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और इसमें नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल के द्वारा वेबसाइट बनाया गया है जिसका नाम चैनल के नाम से ही है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू के नाम से वेबसाइट बनाया गया है। और यह जो नोटिफिकेशन है उस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिटेल जानकारी जो है, मैं इस वीडियो में सभी डिटेल जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले वेबसाइट पर आपको जाकर यदि नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद से यह जो नोटिफिकेशन है इस पर क्लिक करेंगे और नीचे पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरी बात कि आपकी इच्छा है तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को बदनाम करने के लिए गलत SMS डाले गए थे इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है, बट आप जुड़ जाएंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मेरे से SMS के थ्रू या बाई कॉल बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूं इसमें जो विभिन्न पद हैं इन पद के बारे में, तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के उपरांत वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें जिससे कि मैं मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें कि यह सूचना सबके पास पहुँचे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोस्ट कोड है, यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, नंबर ऑफ पद है, यहाँ पे एज लिमिट है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल दी गई है और यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक पद है और एज लिमिट अधिकतम 50 साल है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के जो पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे हैं, बाकी सभी पद सरकारी नौकरी के लिए हैं। तो स्टार्टिंग के दो पद हैं जो ग्रुप ए में हैं। ग्रुप बी में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में एक पद है और एज लिमिट 35 साल है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक पद है, एज लिमिट 35 साल है। ग्रुप सी में UDC के लिए कुल दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट 32 साल है। UDC के लिए एक पद है और एज लिमिट 32 साल है। ST कैटेगरी में एक पद है। इस तरह से कुल UDC के तीन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक पद है, एज लिमिट 32 साल है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक पद है, एज लिमिट 32 साल है। LDC के लिए एक पद है, एज लिमिट 32 साल है। कुक के लिए भी एक पद है, एज लिमिट 32 साल है। और MTS के दो पद हैं, एज लिमिट 32 साल है। इस तरह से टोटल 13 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और इस पद के लिए हम सैलरी की बात करें तो जो ग्रुप ए में पद हैं इस पद के लिए जो सैलरी है 78,800 से लेकर 2,09,200 हैं। ग्रुप बी में जो पद हैं इंजीनियर का यानी असिस्टेंट इंजीनियर का जो पद हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। ग्रुप सी में जो पद हैं तो UDC पद के लिए जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो पद हैं उनके लिए भी सैलरी सेम है। लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए सैलरी सेम है। LDC पद के लिए जो सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये हैं। कुक के लिए सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये हैं। और MTS पद के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। अप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 700 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। OBC और EWS के लिए 500 हैं। SC ST के लिए 300 रुपये हैं। OPWD कैटेगरी के लिए कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में होनी चाहिए, कम से कम 9 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल L10 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो सेकेंड पद है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो यह तो डेपुटेशन बेसिस पे है। असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए फर्स्ट डिवीजन बेचलर डिग्री रिलेवेंट फील्ड में है और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जूनियर इंजीनियर या इक्विवेलेंट लेवल का स्टेट गवर्नमेंट या PWD सर्विस स्टेटरी से रिलेटेड या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। UDC के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस LDC लेवल का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड इंग्लिश है 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी 30 वर्ड पर मिनट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में होना चाहिए।
यदि मास्टर डिग्री आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या एमसीए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस भी हो तो चल जाएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, साथ में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन है। एलडीसी पद के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए। कुक के लिए 10वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं, साथ में आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट, बेकरी या कन्फेक्शनरी 1 ईयर ड्यूरेशन का होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस है। एमटीएस के लिए 10वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं, या तो 10वीं क्लास पास हो या 10वीं क्लास के उपरांत आईटीआई पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और 27 यानी आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 28 यानी डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, जो 28 तारीख से शुरू होगा और आज ही एडवर्टाइजमेंट आया है। कल से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है 18 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक हैं, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल कॉपी में 25 अगस्त 2023 तक पहुंचना चाहिए। तो इस विशेष बात को ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म इसमें कंफर्म मांगा हुआ है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। इसके अलावा जनरल टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो द रजिस्ट्रार राजीव गांधी यूनिवर्सिटी उन्नू हिल डोइंग मुख अरुणाचल प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचना चाहिए। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो आपको मैं इंडिकेट कर दिया हूँ कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को